good morning students this is a third video lecture of chapter nutrition in animals for class 7th and topics were covered in this chapter are introductions nutrition different mode of nutrition taking different way of taking food digestion human digestive system ये हमने स्टार्ट किया था सेकेंड वीडियो लेक्चर में एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में या डाइजेस्टिव ट्रैक में जो उसके पार्ट्स हैं वो मुझे डिटेल में पढ़ने थे हम लोगों को तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बकल कैविटी फूड पाइप इसोफेगस, स्टमक स्मॉल इंटस्टाइन लार्ज इंटस्टाइन एंड एनस। तो एक बार हम इसका फिगर पढ़ चुके हैं और इसमें ये सारे पार्ट्स हैं हमें डिटेल में पढ़ने हैं तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से अगर हम लोग देखें फर्स्ट टॉपिक है हमारा पक्कल कैिटी या ओरल कैविटी तो ओरल कैिटी में क्या क्या कंसिस्ट होता है चलिए स्टार्ट करते हैं बक्कल कैिटी और माउथ माउथ एंड बकल कैविटी द प्रोसेस ऑफ डाइजेसन सॉरी द प्रोसेस ऑफ इंजेसन स्टार्ट फ्रॉम माउथ और बकल कैविटी एज वी इन जस्ट फूड दाइवरी ग्लैंड प्रजेंट इन अउथ स्टार्ट इट्स डाइजेसन द टीथ प्रजेंट इन द बकल कैविटी कट्स द फूड इन टू स्मॉल पीसेज बाई द चुइमिंग चुईिंग एंड ग्रैंडिंग अगर हम बकल कैविटी की बात करते हैं मीन्स जो हमारा माउथ की ओपनिंग है माउथ में जो ओपनिंग होती है अगर बैकटल कैविटी को देखें तो उसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स अवेलेबल होते हैं बक्कल कैविटी में टीथ टीथ प्रेजेंट होते हैं एंड टंग टीथ टंग एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं यहाँ पे थ्री uh, पेयर में होती हैं मीन्स सिक्स पेयर सिक्स टोटल स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा को सिक्रीट करती हैं तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड टंग एंड टीथ थ्री सबस्टेंस आर प्रेजेंट इन आवर माउथ एंड फर्स्ट स्टार्ट स्टार्टी ग्लैंड सिक्रेटेड सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड अंडर द सलाइवरी ग्लैंड कंटेन अ डाइजेस्टिव सलाइवरी एमाइलेज विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च इंटू शुगर मीन्स हमारे फूड का जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है क्योंकि माउथ में जब फूड पहुंचता है तो उसमें सलाइवा सिक्रीट होता है एंड सलाइवा जैसे ही सिक्रीट होता है सिक्रीट होने से सलाइवा में प्रेजेंट एमाइलेज एंजाइम यानी सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम फूड में प्रेजेंट स्टार्च को ब्रेक डाउन करने लगता है यानी स्टार्च जो होता है उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करने लगता है यानी फूड में स्टार्ट का डाइजेशन uh, जो है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है थ्री पेयर राइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन अवर माउथ अगर हम देखें माउथ में थ्री हैं टोटल सिक्स राइवली ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं तो हम देखें इसमें कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं? जो कि ये देखिए तीन पेयर शो की गई हैं सामने फर्स्ट <coughs> है पेरोटिक ग्लैंड्स ये इस साइड में होती हैं एंड सेकेंड इड ग्लैंड्स एंड थर्ड इज सबलिंगुअल ग्लैंड थ्री पेड होती हैं मीन सिक्स टोटल होती हैं और इनका काम क्या होता है सलाइवा को सिकर करना अब सलाइवा क्या होता है कभी आप अगर कुछ डिलीशियस फूड का अगर देखते हैं या आपके ब्रेन में ऐसा कुछ आता है तो हमारे माउथ से जो वाटरिंग होती है उसको सलाइवा बोलते हैं एक्चुअली जो वाटर होता है उसमें वाटर प्रजेंट होता है नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा एंड बाकी कुछ परसेंट इसमें सलाइवा होता है सलाइवा होता, होता है उसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है सॉरी वाटर जो होता है उसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है कुछ परसेंट जो डाइजेशन में हेल्प करता है नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक हमारा टंग टंग का भी बहुत रोल होता है इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अगर हम लोग टंग की जो मतलब हेल्प होती है फूड को डाइजेशन में एक्चुअली वो उसको मिक्स करती है सलाइवा एंड जो ग्रिंडिंग फूड्स होते हैं उनको मिक्स करती है मस्कुलर का टेस्ट होता back to the floor of the vocal cavity it is free from the front and can help in mixing saliva with the food swallowing so the food taking or speaking and task, tasking with the help of task but for sweet taste sour and bitter food salivary glands secrete saliva which breaks down starch इंटू सुपर अब जो टंग का यूज़ होता है एक्चुअली सिर्फ फिज़िकल यूज़ होता है केमिकल इसका कोई यूज़ नहीं होता है मींस कि ये फूड को मिक्स करती है और इसका कोई मस्कुलर ऑर्गन होता है इसमें कोई बोन नहीं प्रेजेंट होती है बट इसमें क्या होता है इसका क्या मक्सन होता है जो हमें किसी चीज़ का टेस्ट होता है वो टेस्ट हमें टंग के थ्रू फील होता है कैसे फील होता है क्योंकि वहाँ पर टेट्स टेट्स जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो लगी रहती हैं जैसे कि अगर एक डाइग्राम सामने आपके शो किया गया है इसमें अगर आप देखें तो कुछ रीज़न दिखाए गए हैं एक्चुअली वो रीज़न जो होते हैं वो अलग अलग जोन के रीज़न होते हैं जैसे अगर हम लोग को स्वीट टेस्ट होता है तो हम लोग जो टिप होती है आगे की यहाँ पे हमें स्वीट टेस्ट फील होता है एंड जो बिटर होता है बिटर जोन ये पीछे होता है और शो टेस्ट जो होता है वो इस साइड में होता है ये सो टेस्ट होता है एंड साल्टी टेस्ट होता है इस साइड में तो ये एक्चुअली टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो हमें अलग अलग टाइप के टेस्ट को फील कराती हैं तो ये हमारी टंग का रोल होता है डाइजेशन में नेक्स्ट अगर देखें टीथ टीथ का भी बहुत रोल हो होता है होता है हमारे डाइजेशन में द फूड इज़ द कट बाई द टीथ इनसाइड द माउथ टीथ मैकेनिकली ब्रेक द फूड इन टू स्मॉल पीसेस दीज टीथ टीथ वेरी इन अपीयरेंस ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स अगर हम लोग टीथ को देखें टीथ भी हमारे माउथ का बहुत यानी बकल कैपिटी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इसका भी रोल होता है हमारी लाइफ में भी टीथ का बहुत रोल होता है अब हम देखते हैं कि टीथ कैसे होते हैं कौन कौन से टाइप के प्रजेंट होते हैं अगर हम देखें तो टीथ हमें कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है ये एक डाइग्राम है तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो टीथ आपको अलग अलग कलर में सो किए गए एक्चुअली चार कलर सामने सो किए गए हैं और चार कलर एक्चुअली इसलिए सो किए गए हैं क्योंकि चार टाइप के हमारे टीथ टीथ हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं फर्स्ट अगर आप देखें तो इंसीजर्स इंसीजर जो होते हैं वो सामने के दो होते हैं इंसीजर्स दो ये और दो ये चार इंसीजर्स होते हैं देन कैनइनिंग कैनइन ये होता है जो सबसे पॉइंटेड जो है टीथ होता है एंड फिर उसके बाद जो स्टार्ट होते हैं जो थोड़े से हल्के से जिसमें लगता है कि दो टीथ हैं तो वो प्री मोलर एंड लास्ट के जो होते हैं वो मोलर्स होते हैं तो अगर हम लोग फिर से देखें इसको तो जो ये एक्चुअली जो है एक जवा है और दो जो होते हैं हमारे दो में जो टीथ होते हैं वो ऊपर और नीचे सेम होते हैं मीन जितने टीथ हो, नीचे होंगे नीचे वाली जॉ में उतने ही टीथ ऊपर वाली जॉ में होंगे तो नीचे वाली नीचे वाली टीथ में देखते हैं हम लोग जो जॉ में कितने टीथ अवेलेबल्स हैं कौन कौन से हैं फिर से एक बार देख लेते हैं फोर टाइप के टीथ होते हैं चार इंसीजर्स होते हैं फोर इंसीजर्स ये येलो कलर के जो इसमें शो हो रहे हैं और दो कैनाइंस होते हैं दो कैनाइंस होते हैं एंड फोर प्रीमोलर्स होते हैं एंड सिक्स मोलर्स होते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं टोटल हमारा होता है इन ईच एंड वी हैव टू टोटल हमारे टीथ कितने होते हैं थर्टी टू ये सारे परमानेंट टीथ होते हैं नेक्स्ट देर आर फोर टाइप ऑफ टीथ इंसीजर्स कैनाइन प्री मोलर मोलर अब तीनों को चारों को हम एक बार फिगरी दिखा देते हैं आपको जैसे जो इंसीजर्स होते हैं एक्चुअली वो सामने के होते हैं जैसे आप अगर चॉकलेट खाते हैं और उसको कट करते हैं तो बेसिकली आप लोग इंसीजर से ही कट करते हैं सेकेंड होता है कैनाइन कैनाइन जो होते हैं ये टीयरिंग में इनका यूज होता है जैसे अगर आपको कुछ चीरना या फाड़ना है जैसे आपको शैम्पू का पाउच खोलना है तो बेसिकली आप लोग किसी भी अगर चिप्स का पाउच खोलते हैं या ऐसा कुछ जो हाथ से नहीं हो रहा है तो आप दांत का यूज़ करते हैं तो उसमें आप अपने कैनाइन का ही यूज़ करेंगे और ग्राइंडिंग में जो काम होता है मोलर और प्री मोलर का होता है आप सबको अलग अलग देख लेते हैं फर्स्ट इज इंसीजर देर आर फोर चिल एस इंसीजर्स एट द सेंटर ऑफ ईच फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड यानी ये जो इंसीजर्स होते हैं वो बाइटिंग में हेल्प करते हैं कैनाइंस दीज आर टू लार्ज पॉइंटेड टीथ जस्ट बिहाइंड इंसीजर इन ईच फॉर प्रेसरिंग एंड टीयरिंग द फूड नेक्स्ट प्रीमोलर दीज आर फोर लार्ज प्रीमोलर्स विद द फ्लैट सर्फेस बिहाइंड द के कैनाइंस इन ईच फॉर grinding and chewing and last is molar in adult these are six जिसको हम लोग दाढ़ भी बोलते हैं एक्चुअली जो है वो जो एडल्ट होते हैं एडल्ट के बाद ही कंप्लीट हो पाते हैं इससे पहले कम रहते हैं लार्ज मोलर्स विद द फ्लैट सरफेस बिहाइंड द प्री मोलर इन द for फॉर ग्राइंडिंग इनका भी यूज़ ग्राइंडिंग में ही होता है तो आई थिंक ये आपके जो फोर टाइप के टीथ हैं ये सब कुछ समझ आएंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ तो ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला थैंक यू सो मच क्लास